हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रिएक्टर गेमिंग। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि M10 को अपग्रेड कैसे करें सबसे कम सस्ते से सस्ते डायमंड में। तो देखो गाइस, जैसे आपको पता है कि कितने टोकन लगते हैं, ज़्यादातर लोगों के 15,000 डायमंड लगते हैं, ठीक है। तो गाइस, आज ये हम 15,000 वाला काम हम आपको करवाएंगे सिर्फ कि सिर्फ 7,000 में, आधे डायमंड में गाइस, आधे से भी कम डायमंड में। देखो उसका राज क्या है। आप लोगों को स्टोर में देखा होगा एक कार्ड, अपने को एक कार्ड मिलता है जो 2000 डायमंड के यूज़ पर 700 का ऑफ देता है आपको, याद है ना। वो भाई हर सीज़न में मिलता है, 3 कार्ड आप ले सकते हो। तो भाई वो मेरे पास पहले से 2 कार्ड तो पड़े हुए थे, ठीक है गाइस। तो मैंने क्या किया, 2000 के 50 क्रेट थे 700 रुपये ऑफ के, तो 1300 के 50 क्रेट आ गए, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही भैया 10,000 डायमंड के आप सिर्फ 7,000 डायमंड लगेंगे आपके भाई, सब 3,000 डायमंड ऑफ हो जाएंगे, सिंपल सिंपल। हाँ तो गाइस, जैसे अभी मेरी M10 निकल जाएगी ना, बस M10 निकलते ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उस कार्ड को कैसे अपने को यूज़ करना है ना गाइस, बिल्कुल सिंपल है। अभी देखना, बस M10 निकल जाएगी, जल्दी से निकल जाइए। हर बार यार आखिरी स्पिन में निकलती है, ग्रेने का काम ही ऐसा है, कोई भी चीज़ है जल्दी से इन्हें देता, सस्ते में इन्हें निपटाता। देखो M10 तो हमारी खुल गई, देख तो लेते हैं। लेवल 6 पे आती है अपने असली अंदाज में हरे रंग की, और 7वें पे आ जाता भाई साहब, 7 आसमान 7वें आसमान में आ जाती है हमारी ये बंदूक, मस्त साइज का इमोट है। चलो भैया, ज़्यादा हम इमोट दिखाएंगे ना, हम सीधे हम मुद्दे की बात करते हैं, वो कार्ड को कैसे यूज़ करना वो हम बताते हैं। हाँ तो देखो गाइस, कार्ड को कैसे यूज़ करना है, देखो कार्ड, देखो मैंने आपके सामने अभी यूज़ किया था ना, 2000 डायमंड थे, 700 रुपये मैंने ऑफ की, 700 डायमंड मैंने ऑफ किए, अब 1300 डायमंड में भाई मैंने यहाँ पे ले लिया 50 अपने क्रेट के बॉक्सेस। और भैया देखो 50 क्रेट के बॉक्स, आप देखना हम वेपन को जाके अपग्रेड करेंगे, हमें कुछ 200 कुछ टोकन मिले थे गाइस, देखना टोटल कितने टोकन अपने अपग्रेड में देख रहे हो गाइस, 251 टोकन थे गाइस हमारे पास, मेरे पास सिर्फ 5 टोकन थे और अभी सिर्फ 251 मतलब 246 टोकन्स मिले गाइस मेरे को टोटल, 1300 डायमंड का 246 टोकन मिले। अगर देखो 1300 में 250 आपको टोकन मिल रहे हैं, तो करीबन कितने बार होंगे, 5 बार आपको लेना पड़ेगा, 1000 टोकन आपको मिल जाएंगे। देख रहे भैया, सिर्फ लेवल 4 की तो मेरी सिर्फ 250 टोकन में ही होगी थी, उसके बाद होता भैया थोड़ा सा मोटा मोटा काम, 240 में होगी लेवल 5 की, 400 में होगी लेवल 6 की, और 700 में होगी नहीं, आखिर के 600 में होगी भैया लेवल 7 की। तो देखो भैया, हम वो भी निकालेंगे आपके आपके सामने ही निकालेंगे, ठीक है गाइस। लेवल 6 तक की करी है आज मैंने मैक्सिमम अपनी अपग्रेड पूरी पूरी, देखना भैया गाइस, देखना सिंपल सिंपल सा है, बस उसको जाके क्लेम करना। बस एक बार हमने गलती कर दी थी, एक बार मैं क्या कूपन को अप्लाई करना भूल गया था गाइस। अगर आपके पास पहले से 3 के 3 टोकन पड़े हैं ना, वो वाले 700 डायमंड ऑफ वाले, तो भाई बहुत अच्छी किस्मत है भाई आपकी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी किस्मत है। तो देखो गाइस, मेरी यहाँ पे लेवल 5 की तो यहाँ पे हो चुकी है, यहाँ पे M10 है ना, तो भैया हम इस ऐसे ही हम इसको लेवल 6 की भी करेंगे। अब मैं देखो आप लोगों को वापस मैं 2 बार और यहाँ पे परचेस करूँगा भाई 2000 डायमंड्स के, देखना 2000 डायमंड के हम यहाँ पे 2 बार परचेस करेंगे। एक बार तो मेरे से यहाँ पे गलती हो जाती है, यहाँ पर मैं ना कूपन अप्लाई करना भूल जाता हूँ, मैं भाई कूपन पे शायद क्लिक करता हूँ, वो कूपन पे होता ही नहीं है क्लिक, शायद गलती से वो कूपन अप्लाई नहीं हो पाता। तो भाई यहाँ पे 700 डायमंड चोट हो गए, कूपन नहीं अप्लाई हो पाता, पर कोई बात नहीं यार, अगली बार हम करेंगे कूपन अप्लाई करेंगे। टोकन देखो कितने बार खुलते हैं, 10 बार खुलते हैं, वो 5-5 का ना 50 टोकन लेते हैं ना हम, तो 5-5 बार 20 बार खुलते हैं, शायद 10 बार खुलते हैं। देखो अभी यहाँ पर शायद इस बार, हाँ इस बार तो हो गया अप्लाई, हो गया, हाँ 1300 का खुल गया खुल गया खुल गया, क्योंकि यार देखो 400 हमें चाहिए होते ना टोकन टोटल लेवल 6 के करने के लिए। अब यार गरेना ने ना गरीब बना रखा है, गरीब फ्री फायर होना चाहिए ये, गरेना फ्री फायर होना चाहिए गरीब। तो देखो ये लेवल 6 की भी हमारी यहाँ पे हो चुकी है, M10 M10 14 समझ रहे हो ना आप भैया, आप इसको 7 की और करना, बस हम 7 की भी कर लेंगे जल्दी से भैया, देखो गदर लग रही नहीं, एक नंबर लग रही। तो गाइस यहाँ पर इसका डैमेज देखना यार, देखना एक फायर में भाई देखो कितना सारा डैमेज आता है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा डैमेज भाई, ट्रिपल के डैमेज आता है एक शॉट में, मतलब एक शॉट में अगर साथ में 3 लौंडे खड़े होंगे तो भाई 3ों पिल जाएंगे, 4 होंगे तो 4ों पिल जाएंगे। चलो गाइस अभी देखना भाई इसके फायर रेट कैसे होता, फायर रेट को भाई इसका एक कमाल है, देखो मैं इस लौंडे को मैंने एक गोली मारी, एक गोली और 2 गोली बचे, झटके से मर गया। उसके बाद देखो हम आपको किल इफेक्ट देंगे, मतलब किल इफेक्ट कैसे आता है देखना, जब हम किसी अभी एक और बंदे को अभी मारेंगे, देखो इसको मारते हैं हम इसको किल इफेक्ट देंगे, देख रहे हो गाइस, देखो कैसे मतलब बंदा ऊपर से आता है नीचे से दलदल की तरह जाके बन जाता है, हरा हरा सा, हरी टट्टी नहीं होती है। अभी देखो हम 2-4 कोर पे लेंगे, घास बन जाएंगे, हम यहाँ पे पेलते जाएंगे खेलते जाएंगे, तब पेलते ही 40 HP कैसे आ रही है, क्योंकि हमने जोटा लगा रखा है ना, मतलब बंदूक तो मस्त है, मतलब हरी हरी सी गोलियाँ निकलती हुई निकलती है इसमें, हरी हरा ड्रैगन है, हरी गोलियाँ और हरी देखो टट्टी बनाया था, मरते ही पब्लिक की, और मैं खुद भी हरा बन जाता हूँ, घास बन जाता हूँ, इको फ्रेंडली घास है हमारी, जो भी आएगा भाई सब ऐसे घास से आता ही वो पिलता जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों यार हमारी यार वीडियो देखने के लिए, अगर आपको अच्छी लगती है यार प्लीज़ लाइक जरूर कर देना यार भाई, यार शेयर जरूर कर देना यार, क्योंकि यार आजकल यार हमारे यार आपको पता ही है कितनी मेहनत करनी पड़ती है यार चैनल पर यार, प्लीज़ यार अगर आप लोग शेयर करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यार। अभी 2-4 लौंडे और पेल के जाते हैं, अब देखते हैं ना, एक पिल गया वापस घास, हाँ घास बन जा फटाफट, आ जा तू भी आ जा, एक और पिल जाएगा, पिलते ही घास घास, बैठ तू घास, तू भी पिल जा, बैठ तू घास,
यहाँ से नहीं बना मर गया। चलो कोई बात नहीं गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग सर एवरीबडी सर, बहुत अच्छा लगा यार आप लोग आए हमें देखने, यार इतना प्यार दिया यार बहुत अच्छा लगा। तो गाइस बहुत बहुत शुक्रिया यार पूरी वीडियो देखने के लिए यार, यहाँ तक अभी भी अगर आप यहाँ तक बने हुए तो भाई आप रिएक्टर वे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो भैया हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए रिएक्टर गेमिंग। भाई बंदे हम उसके हम पिक इसका जोर जो ज़्यादा बातें करेगा उसका यहीं बना देंगे वो, ठीक है ना भाई साहब। गुड बाय टाटा, सभी को अपना ध्यान रखेंगे सारे।